दोस्तों कल्कि के टीजर पर प्रशांत नील का शानदार रिएक्शन आया है और भाई कल्कि के टीजर को देखने के बाद जो बात प्रशांत नील ने बोली है उसको सुनने के बाद आपको भी गूज बम्स आने वाले हैं। प्रशांत नील कहते हैं कि सलार से कहीं ज्यादा बड़ी है कल्कि और इसका टीजर नहीं बहुत ही बड़ा बवाल है जो कि बॉक्स ऑफिस के ऊपर अप्रोक्सीमेटली 2000 करोड़ का कलेक्शन करने का पावर रखता है। मूवी का स्कोप काफी बड़ा है और टीजर देखने के बाद मैं ये बात बोल सकता हूँ कि प्रभास पैन इंडिया सुपरस्टार है, इनका मुकाबला करने का पावर किसी में नहीं है। टीजर के अंदर जो बीजीएम है, जो वीएफएक्स है, जो सिनेमेटोग्राफी है और जो एक यूनिवर्स का एक्सपीरियंस आपको होने वाला है उसको देखने के बाद आपके भी रोंगटे खड़े होने वाले हैं। दोस्तों आपको इस बात को भूलना नहीं है कि पैन इंडिया पर अगर कोई सबसे ज्यादा स्टारडम रखता है तो वो है प्रभास अन्ना, जिनकी मूवीज को देखने के लिए पूरी इंडिया पागल होती है क्योंकि प्रभास बाहुबली है और बाहुबली का मुकाबला करने का पावर किसी में नहीं है। बंदे ने आदि पुरुष के बाद सलार देकर एक अच्छा कमबैक किया लेकिन अब बॉक्स ऑफिस को तोड़ने की पूरी प्लानिंग हो चुकी है। डायरेक्टर नाग अश्विन ने अपने लाइफ का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट बनाया है और साइंस फिक्शन की दुनिया में इंडिया को एक स्टेप और आगे ले जाने का काम डायरेक्टर नाग अश्विन करने वाले हैं। मूवी का हर लिहाज से भाई काफी ज्यादा क्रेज है, बुक माय शो के ऊपर तेजी से इंटरेस्ट गेन हो रहे हैं। मूवी को देखने के लिए ऑडियंस काफी ज्यादा बेताब है क्योंकि भाई देवा को देखने के बाद हर कोई चाहता है कि अब कल्कि अवतार में हमें प्रभास को देखना है क्योंकि प्रभास अन्ना एक्शन हीरो है, उनकी एक्शन मूवीज में ही काफ़ी ज़्यादा दम होता है और उनके ऊपर एक्शन अच्छा भी लगता है, इसी लिहाज से वो अब एक्शन मूवीज़ को काफ़ी ज़्यादा कर रहे हैं और अब एक्शन के मामले में भाई कल्कि को कोई भी नहीं रोक पाएगा, उनका कोई मुकाबला नहीं कर पाएगा क्योंकि पैन इंडिया पर 25 भाषाओं में ये मूवी रिलीज होगी और इंडियन सिनेमा को चेंज करने का पावर कल्कि मूवी रखने वाली है क्योंकि इसके वीएफएक्स से लेकर हर एक एडिटिंग का काम मार्वल डीसी स्टूडियो ने किया है, तो सोचो ये मूवी हॉलीवुड की बड़ी बड़ी मूवीज को भी टक्कर देने का पावर रखती है। दोस्तों आप इस मूवी का कितना इंतजार कर रहे हो और आपको क्या लगता है कि प्रभास अन्ना इस मूवी से कितने करोड़ की कलेक्शन कर सकते हैं, अपना कमेंट लाजमी करना। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक और शेयर भी कर दो। अगर आपको कल्कि के हर एक इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमारे चैनल बुक टिकट को भाई सब्सक्राइब कर लो ताकि हम और आप हमेशा कनेक्ट रहें और आपके लिए ऐसे अपडेट्स लाते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा।